Hello students, you are welcome to RCI Education Hub. Today we are going to start a new chapter of class 12th biology named as respiratory system of human being. इसके अंदर अपन जो है ह्यूमन बींग के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है. इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो टर्म आ रहा है, दैट टर्म इज रेस्पिरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट रेस्पिरेशन. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, इसके बारे में जानना. तो अपन सबसे पहले रेस्पिरेशन की बात करते हैं. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइजिंग, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर खाने का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड दैट फूड इज कन्वर्टिंग इन टू एनर्जी, द प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अपन जो है एनर्जी के लिए खाना खाते हैं. दिस इज ओके, दिस इज राइट. खाने की जो है अपन एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, बट जो खाना अपन ने खाया है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट फूड शुड ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टू एनर्जी. वो खाना जो है एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट होना चाहिए. तो खाने को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने से पहले एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है एंड दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. इट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. वी आर ईटिंग एनी थिंग, अपन जो है बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, लाइक चपाती, वेजिटेबल्स एंड सो ऑन. जो भी चीज़ें अपन ने खा ली है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने पढ़ा है दैट द लार्ज और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर कन्वर्टिंग इन टू द सिंपल सब्सटेंस. बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, सिंपल जो है फिर और सिंपलियर के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं. जो लास्ट का जो सबसे सिंपल सब्सटेंस आता है दैट इज नोन एज ग्लूकोज, दैट इज नोन एज ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इन टू एनर्जी. This glucose is converting into the energy, and this process is taking place in the presence of oxygen. This process is taking place in the presence of oxygen. It means the oxidation of food. What is this? This is food, and that process is known as oxidation. It means oxidation of food is known as respiration. And what is happening in this process? Energy is releasing. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर खाने का ऑक्सीडेशन हो रहा है तथा एनर्जी रिलीज हो रही है, उस प्रोसेस को जो है अपन रेस्पिरेशन कहते हैं. और ये जो रेस्पिरेशन है, ये एक पिक्यूलियर फीचर है जो कि हर एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है. अपन बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है, एक तरीके से वो नॉन लिविंग होता है या फिर डेड होता है. तो रेस्पिरेशन जो है एक बहुत ही इसेंशियल फंक्शन होता है, एक इसेंशियल प्रॉपर्टी होती है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है. अगर अपन रेस्पिरेशन नहीं करेंगे देन वी कांट सर्वाइव. व्हाई वी कांट सर्वाइव? बिकॉज फॉर सर्वाइवल वी नीड व्हाट? वी नीड एनर्जी, एंड द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम रेस्पिरेशन. एनर्जी कहां से आ रही है? रेस्पिरेशन से आ रही है. और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस के अंदर हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो रही है. इसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बेसिकली जो है दो टाइप का होता है. नंबर वन इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड नंबर सेकेंड इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. External respiration is also known as breathing and it is also known as ventilation. External respiration को अपन ventilation और breathing भी बोलते हैं. अभी जो breathing या फिर external respiration है, it is of two types. ये दो type का होता है. Number one is breathing in and number second is breathing out. Breathing in is also known as inspiration और inhalation. ब्रीथिंग इन को जो है अपन इंस्पिरेशन और इनहेलेशन भी बोल सकते हैं. इस वाली प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि अपन सराउंडिंग से गैसेस को लेते हैं. ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर अपन एटमॉस्फेयर से गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग इन, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज इंस्पिरेशन और इनहेलेशन. और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर अपन जो है गैसेस को रिलीज कर रहे हैं, अपनी बॉडी से जो है एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस को रिलीज कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग आउट. दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपिरेशन और दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन. दीज बोथ आर टाइप ऑफ ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. दिस इज ऑल्सो नोन एज वेंटिलेशन. तो इसके अंदर तो अपन गैसेस ले रहे थे. इन टेकिंग ऑफ गैसेस एंड इसके अंदर रिलीज. रिलीज ऑफ गैसेस. इसके बाद में सेकेंड टाइप की बात करते हैं, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है,
दैट इज हैपनिंग इन द लंग्स. अपन ने जो है नॉस्ट्रल से नोज से गैस ली है, गैसेस लेने के बाद में लंग्स के अंदर चली गई है. ये प्रोसेस केवल यहाँ तक हो रही है. इसके बाद में जो आगे की प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है कि जो भी गैसेस लंग्स के अंदर चली गई है, लंग्स के अंदर जाने के बाद में द गैसेस विल बाइंड टू द हीमोग्लोबिन. और गैसेस के अंदर भी अपन मेनली किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है, ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है. डिजोल्व होने के बाद में सर्कुलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है बॉडी के हर एक सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन पहुंच जाती है. और हर एक सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, फूड, दैट इज ग्लूकोज. फूड पाए जाने के बाद में सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन जाने के बाद में ये फूड एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है, दैट होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन की सेकेंड वाली प्रोसेस है वो सेल के अंदर होती है, सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. दैट्स व्हाई दिस इंटरनल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर तो केवल अपन ने गैसेस ली थी और गैसेस रिलीज की थी, लेकिन इन एक्चुअल जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है या फिर जिसके अंदर फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है वो सेल के अंदर होती है. एंड दैट्स व्हाई द सेकंड और इंटरनल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. बेसिकली जो है ये दो टाइप का होता है. नंबर वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नंबर सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की ऐसी प्रोसेस या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन की ऐसी प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो रही है, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. इसके अंदर होता क्या है कि जो भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इन टू द एनर्जी. Glucose is converting into the energy, but this process is taking place in the presence of oxygen. ये oxygen की presence के अंदर हो रही है ये process. इसलिए जो है इस process को अपन ने क्या नाम दे दिया है, aerobic respiration. और aerobic respiration जो है सारे के सारे living organisms के अंदर पाया जाता है, जो कि surrounding के अंदर पाया जाता है. Varieties of plants, varieties of animals, हर किसी के अंदर aerobic respiration पाया जाता है. But कुछ ऐसे certain animals भी हैं, certain ऐसे living things भी हैं जिनके अंदर aerobic के साथ में anaerobic respiration भी पाया जाता है, जो कि second type है इसका. एनएरोबिक मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर अपन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. द ग्लूकोज इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी विदाउट एनी यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. इसके अंदर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के अनुसार इसके अंदर दो एग्जाम्पल दे रखे हैं. नंबर वन इज द यीस्ट एंड नंबर सेकेंड इज द मसल्स. यीस्ट के अंदर क्या होता है, यीस्ट के अंदर जो भी फूड है दैट इज द ग्लूकोज. द ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू एथेनॉल, वाटर, CO2 एंड एनर्जी. इसके अंदर एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है एंड दैट बाय प्रोडक्ट इज एथेनॉल. जबकि ये प्रोसेस अपने अंदर नहीं पाई जाती है, ये केवल यीस्ट में पाई जाती है. यीस्ट इज अ काइंड ऑफ फंगस. फंगस के अंदर अपन को जो है ये प्रोसेस देखने को मिलती है. इसके अंदर जो है ऑक्सीजन का किसी भी प्रकार से यूज नहीं हो रहा है. इसके बाद में सेकंड अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, दैट इज इन मसल्स. मसल्स के अंदर क्या होता है कि जब भी सपोज दैट वी आर रनिंग, वी हैव जॉइंड द जिम, वी आर डूइंग साइकिलिंग और अपन पुशअप वगैरह करते हैं, उस वाले कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो भी अपन नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस ले रहे हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर जो गैसेस ले रहे हैं वो बॉडी के लिए सफिशियंट नहीं होती है. नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बॉडी के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. तो उस वाली कंडीशन के अंदर अपन को थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए क्या करते हैं कि जिस पार्ट को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली मसल्स, उसके अंदर बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर ही रेस्पिरेशन होने लगता है. और उसके अंदर भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है प्लस में एनर्जी रिलीज होती है. तो इसके अंदर भी एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है एंड दैट बाय प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड. जनरली पूछ लिया जाता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो यीस्ट के अंदर पाया जाता है और यीस्ट के अलावा एक ह्यूमन बींग के मसल्स के अंदर पाया जाता है. बट मसल्स के अंदर हमेशा नहीं पाया जाता है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन होती है, लाइक वी हैव जॉइंड द जिम, डूइंग साइकिलिंग एंड एटसेट्रा. जब भी अपन को एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उस वाले कंडीशन के अंदर ही अपन को एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है. अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपनी बॉडी के अंदर जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, इन विच वी आर यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड वी आर रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट 36 ATPs. और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है बहुत कम अमाउंट एनर्जी की रिलीज होती है, 2 ATP. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, एनारोबिक कुछ सर्टेन के अंदर देखने को मिलता है.
एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, एनएरोबिक के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बाय प्रोडक्ट केवल अपन को CO2 देखने को मिलता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अपन को बाय प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल भी देखने को मिल सकता है, लैक्टिक एसिड देखने को मिल सकता है और CO2 भी होती है, ये बाय प्रोडक्ट होते हैं। दीज आर सम सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जानना जरूरी है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन के टाइप क्या होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं। इसके बाद में इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर कंसिस्ट हुआ है, किस तरीके से अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं एंड ऑल दैट।